नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपने पिछले 2 दिनों के चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और अब हम उसी में से कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपके इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे। तो आपके जो बोर्ड पेपर में पहला क्वेश्चन रहता है वो 9 मार्क्स का रहता है कि आपको एक पैसेज दिया गया और होगा और उसी में से आपको आंसर्स छाँट के लिखने होंगे। तो इसी तरीके से हम आज प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। मैं जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ाते जाऊंगी आपको हर चैप्टर में से 2 पैसेज दूंगी और साथ ही आपकी 6 मार्क का क्वेश्चन और बनता है जिसमें नोट मेकिंग और समराइजेशन रहता है। तो उसी पैसेज में से आपको नोट मेकिंग भी करना होगा और समराइजेशन भी करना होगा। तो आप लोगों को आज के लिए मैं आप 10 मार्क्स के पैसेज में से आंसर्स लिखने होंगे और 4 मार्क का आपका नोट मेकिंग है, 2 मार्क का आपका समराइजेशन है। टोटल इस तरह 16 मार्क्स का आपका ये आज का क्लास बन रहा है। बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस के हिसाब से ही मैं शुरू करवा रही हूँ। ओके बच्चों, सो लेट्स गेट टू द क्वेश्चंस। बच्चों, जो हिस्सा हम पढ़ चुके हैं वो यहाँ आपके चैप्टर के स्टार्टिंग यानी कि मैन हैज थ्रू द एजेस से लेके, हालांकि ये पेज पूरा हम लोग कवर कर चुके हैं, इनफैक्ट कुछ लाइन इसके पीछे भी है, बट आपका जो इस क्वेश्चन के लिए आज के लिए पैसेज है वो ये पूरा पैराग्राफ, पैरा नंबर 2 एंड पैरा नंबर 3, जहाँ ये द स्काई इज ओवरकास्ट ये खत्म हो रहा है, यहाँ तक ये आपका पूरा पैरा है दैट यू हैव टू रीड एंड आंसर फ्रॉम। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन है जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। उसके बाद धीरे धीरे मैं 9 पे आऊंगी और मैं आपको क्वेश्चंस रीड करके सुना देती हूँ कि पहला क्वेश्चन है विच इज द इमेजिनरी एलाइक्सर ऑफ लाइफ, ये आपको फर्स्ट पैरा में ही मिल जाएगा। व्हाट इज द ट्रू एलाइक्सर, तीसरा है विच आर द टू सीन्स ऑफ इजिप्ट सीवी रमन इज टॉकिंग अबाउट, इस पैरा में सीवी रमन ने इजिप्ट यानी कि मिश्र के 2 सीन के बारे में बात की है, वो कौन कौन से सीन है यहाँ आपको बताना है। हाउ इज द नाइल वैली क्रिएटेड, नील नदी की जो वैली है वो कैसे बनी यहाँ ये बताना है। विच सब्सटेंस इज द वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ आर अर्थ, बहुत क्लियरली बताया गया है तो आपको ये आराम से मिल ही जाएगा। डिस्क्राइब द कंट्री साइड सीन दैट सी वी रमन इज टॉकिंग अबाउट, फिर सी वी रमन एक गाँव के दृश्य की बात करते हैं, वो दृश्य कैसा है वो पूरा आपको डिस्क्राइब करना है, मतलब उसमें डिटेल में बताना है। 2 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। फिर ये डिस्क्राइब रेन फेड टैंक्स ऑफ साउथ इंडिया, सी वी रमन कहते हैं कि साउथ इंडिया में रेन फेड टैंक्स है, तो वो रेन फेड टैंक्स कैसे हैं वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये 1.5 मार्क का क्वेश्चन है। फिर है व्हाई वाटर इज इन द लैंडस्केप मे बी कंपेयर टू द आईज इन द ह्यूमन फेस एक्सप्लेन, आपको यहाँ पर ये समझाना है कि पृथ्वी पर जो पानी है वो इंसान के चेहरे की 2 आंखों की तरह क्यों है, ये भी आपके 1.5 मार्क का क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन है। आई होप यू आर सीइंग दिस, आप ये पूरा ये देख लीजिए, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, सी दिस, दिस इज द कंप्लीट थिंग। और उसके बाद ये तो 8 क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन जो है रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑफ इट, अब इसी पैसेज को आपको फिर से बहुत ध्यान से पढ़ना है और आपको इसके नोट्स बनाने हैं, जैसे कि मैंने एक बार आपको क्लास में बता रखा है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट समरी ऑफ द पैसेज एंड ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल, इसी पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, इसका आपको समरी लिखना है। समरी क्या होती है, जो टोटल पैसेज उसका 1/3 हिस्सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम उस समरी में लेते हैं और आपको इसका एक सूटेबल टाइटल भी देना है, वाटर नहीं दे देना है, वाटर तो चैप्टर का नाम है ही है, आपको कोई और टाइटल इसके लिए ढूंढना पड़ेगा और ये आपके 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको ये नोटबुक में आंसर करने हैं और करने ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये टोटल इसमें तो आपको 16 मार्क्स के लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे। सो बी केयरफुल एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, जब भी स्कूलें खुलेगी हम आपकी नोटबुक्स चेक करेंगे। सो ओके बच्चों, बाय, कल हम फिर इस चैप्टर की कंटिन्यूटी के साथ मिलते हैं। ओके okay?